नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस टाइप का लंच बैग का आइडिया शेयर करने वाली हूँ। कैसे इसका लुक आया है, बनाना बहुत ही इजी है। इसे मैं एज अ लंच बैग यूज करूंगी, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी तरीके से इसे यूज कर सकते हो। और इसमें बेस्ट पार्ट है कि इसमें मैंने जिप अटैच नहीं किया है, वेलक्रो के साथ इसे लगाया है इस तरीके से, और आप पूरा ये बंद हो जाता है, इस तरीके से पूरा बंद हो जाता है। तो आप बॉक्स की तरह भी इसे यूज कर सकते हो, या आप सिंपली इस तरीके से वेलक्रो को मत लगाइए, इस तरीके से हैंडल के साथ भी इसे हैंग कर सकते हो। जैसे भी आपको यूज करना है आप इसे यूज कर सकते हो। और जो मेथड बताया गया है वीडियो में वो बहुत ही इजी है, कोई भी इसे बना सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले। और अगर सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर ले, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, साथ ही आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप किस टाइप का डीआईवाई देखना चाहते हो। मैं डेफिनेटली आपके साथ आइडिया शेयर करूंगी। बिना डिले करे बढ़ते हैं अपने डीआईवाई की तरफ। तो अपने इस डीआईवाई के लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को इस तरीके से रेक्टेंगल में कट किया है और इसे इस तरीके से सेट किया है, पिन लगा लिया है ताकि फैब्रिक स्टेबल रहे। और सबसे ऊपर हमारा मेन फैब्रिक है, बीच में फोम शीट है और सबसे नीचे बेस का फैब्रिक है। बेस के लिए मैंने सेम कलर लिया है। आपके पास बेस के लिए जो भी फैब्रिक है आप यूज कर सकते हो। और दोनों ही फैब्रिक का मेजरमेंट सेम है। इसकी ब्रेथ ली है मैंने 5.5 इंच और लेंथ है 10 इंच। अब इसे मैं चारों साइड से स्टिच कर लूंगी और क्विल्ट कर लूंगी। दोनों ही फैब्रिक को चारों साइड से स्टिच करना है और क्विल्ट कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फोम शीट वगैरह है उसको बाद में स्टिच करने के बाद कट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फोम शीट के इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस लिए हैं। आप इस तरीके से छोटे पीस को भी अटैच कर सकते हो, जब हम स्टिच कर लेंगे तो ये सब अटैच हो जाएगा। तो अगर आपके पास पूरा फोम शीट नहीं है तो आप इस तरीके से पीसेस भी ले सकते हो। तो इस तरीके से दोनों ही फैब्रिक को मैंने चारों साइड से स्टिच कर लिया है और क्विल्ट कर लिया है। तो दोनों हमारे रेक्टेंगल पीस इस तरीके से रेडी हो। और अब इसे इक्वल हाफ में फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अब तीन साइड में इसके स्टिच कर लूंगा। यहां से स्टार्ट करना है सिलना और यहां से यहां, फिर यहां ये पोर्शन ओपन रहेगा। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। इसे इक्वल हाफ में फोल्ड करना है और यहाँ से तीन साइड से इसे स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से मैंने इक्वल हाफ में फोल्ड कर लिया है और अब मैं तीन साइड स्टिच कर लूँ। दोनों ही फैब्रिक को इस तरीके से स्टिच करके रेडी कर लेना है। इस तरीके से फैब्रिक को मैंने तीन साइड से स्टिच कर लिया है और एक साइड से ओपन है। इस तरीके से दोनों फैब्रिक को मैंने रेडी कर लिया है। और यहाँ पर मैंने एक और पीस लिया है रेक्टेंगल में और इस पर भी मैंने बीच में फोम शीट है, सबसे नीचे बेस के लिए फैब्रिक अटैच किया है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। चारों साइड से स्टिच करके क्विल्ट कर लिया है। और जो इसका मेजरमेंट है, इसकी ब्रेथ ली है मैंने 10 इंच और लेंथ तरीके से लेंथ आई है 23 इंच। इस तरीके से क्विल्ट करके मैंने ये पीस रेडी किया है। और अब सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक स्ट्रिप कट की है जिससे मैं इसका हैंडल बनाऊंगी। तो हैंडल के लिए यहाँ पर ब्रेथ जो ली है मैंने वो है 4 इंच और लेंथ ली है इस तरीके से 22 इंच। तो इस तरीके से हमें दो पीस चाहिए और इसे मैं इस तरीके से एक साइड से फोल्ड करना है, दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे और फिर दोनों फोल्ड को इस तरीके से मिला देंगे। इस साइड से भी स्टिच कर लेना है और दूसरे साइड से, दोनों साइड से इसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरीके से स्टिच करके दो स्ट्रिप रेडी करनी है। इस तरीके से इसे मैंने स्टिच कर लिया है, दोनों ही साइड से स्टिच किया है। और अब ये जो रेक्टेंगल में पीस था इसे हम लेंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करना है इक्वल हाफ में और सेंटर पर मार्क कर लेना है। दोनों साइड से इसी तरीके से सेंटर पर मार्क कर लूंगी। जो सेंटर पर मार्क किया है ना, वहां से 1.5 इंच पर निशान लगाना है दोनों ही साइड। 1.5 इंच का एक साइड और 1.5 इंच का दूसरी साइड। ये मैं हैंडल अटैच करने के लिए लगा रही हूँ। इसी तरीके से दूसरे साइड भी 1.5 इंच पर मार्क करना है। इस तरीके से दोनों साइड मैंने मार्क कर लिया है। और अब ये जो हैंडल 22 इंच के लिए है इसे मैं अटैच करूंगी। इस तरीके से वन फोल्ड करेंगे अंदर के साइड और जो सेंटर पर मार्क किया है ना, के बगल में जो मार्क किया है उस पर रखना है इस तरीके से एक साइड से। इसी तरीके से दूसरे साइड भी फोल्ड करना है और यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से यहाँ से मैं सीधी सिलाई कर लूंगी दोनों साइड और ये हमारा हैंडल अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरा वाला जो हैंडल लिया है उसे मैं फोल्ड करूंगी इस तरीके से। जो सेंटर है उसके साइड में जो मार्क किया है उस पर इस तरीके से रखना है अंदर के साइड। इसी तरीके से इसे फोल्ड करेंगे
और जो मार्क किया है उस पर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये अटैच हो जाएगा। तरीके से हैंडल को मैंने फोल्ड कर लिया है और अब मैं इसे स्टिच कर लूँ। दो बार मैं इस पर अच्छे से सिलाई कर लूँगी ताकि ये मजबूती के साथ अटैच हो जाए। इस तरीके से हैंडल को मैंने अटैच कर दिया है और अब इसे मैं साइड में रख दूंगी। और जो पहले वाला पीस रेडी किया था ना इस तरीके से फोल्ड करके, ये दो पीस इस पर वेलक्रो अटैच करना है। तो ये मैंने 4.5 इंच की वेलक्रो ली है और इसके सेंटर पर मार्क कर लिया है। अब इतना पोर्शन मैं कट कर दूंगी। ये मैंने ओपन कर लिया है और अब इतने पोर्शन से कट कर लिया है और इसे मैं हटा दूंगी। ये वाला जो वेलक्रो का पीस है ना इसे अटैच करना है। तो कैसे अटैच करेंगे, इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर निकालेंगे। सेंटर पर मैंने निशान लगा लिया है, दोनों के ही सेंटर पर मार्क कर लेना है। इसे मैंने मार्क कर लिया है और अब ये जो वेलक्रो वाला पीस है इसे मैं अटैच करूंगी। इस तरीके से यहाँ पर रखना है तो ये जो स्ट्रिप है ना इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो अब मैं चारों साइड से इसे स्टिच कर लूंगी। तो ये वाला हैंडल हमारा रेडी होगा और इसी तरीके से इसका सेंटर निकालेंगे। यहाँ पर इस तरीके हाफ हाफ फोल्ड करना है दोनों साइड से। इस तरीके से हाफ में फोल्ड करते हुए अब इसे स्टिच कर लूँ। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से वेलक्रो मैंने अटैच कर लिया है और अब इसे मैं इसके साथ अटैच करूंगी। तो जो हैंडल है ना उस पर ही अटैच करना है। तरीके से रखेंगे, एक साइड से सेंटर पर रखना है, जो सेंटर पर मार्क किया ना उस पर ही रखना है और यहाँ से मैं सीधी सिलाई कर लूंगी तो ये अटैच हो जाएगा। दूसरे साइड भी इसी तरीके से रखना है। इसे रखेंगे, आप देख सकते हो वेलक्रो जो है ना जहाँ से वेलक्रो अटैच किया है उस पर ही रखना है और अब यहाँ से सीधी सिलाई कर लेंगे तो ये भी अटैच हो जाएगा। स्ट्रिप को इस तरीके से हैंडल के ऊपर रखना है और अब मैं सीधी सिलाई कर लूँगी। तो इस तरीके से वेलक्रो वाली स्ट्रिप को मैंने दोनों साइड से अटैच कर दिया है और अब यहाँ पर मैंने फैब्रिक बैग लिया है और उसे सेम साइज में कट कर लिया है। कुछ पोर्शन एक्स्ट्रा है, बाद में स्टिच कर लेंगे तो जो एक्स्ट्रा रहेगा उसे मैं कट कर लूंगी। इस तरीके से राइट साइड में रखेंगे और अब यहाँ से एक साइड से इस साइड से और इधर दूसरे साइड से इसे स्टिच कर ले। इस तरीके से फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है, दोनों साइड से स्टिच कर लिया है और इसे टर्न कर लिया और जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट कर लिया है। और अब इस पर मैं टॉप स्टिच करूंगी। वो हैंडल को आगे के साइड कर देंगे और यहाँ से ले जाके यहाँ से यहाँ चारों साइड से स्टिच कर ले। इस तरीके से चारों साइड से मैंने इसे स्टिच कर लिया है और ये हमारा बेस अटैच हो गया है फ्रंट फैब्रिक के साथ। यहाँ पर मैंने एक और फैब्रिक लिया है जिसे ये रेक्टेंगल पीस है, जिसे मैंने कट करके इस तरीके से उसे नीचे बेस और बीच में फोम शीट लिया है और सबसे ऊपर हमारा मेन फैब्रिक है और इसे चारों साइड से स्टिच कर ली। इसका मेजरमेंट है, इसकी ब्रेथ ली है 4 इंच और लेंथ है 9 इंच। दोनों ही 4x9 इंच के पीस है ये हमारे। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिप ली है, इस तरीके की एक स्ट्रिप ली है, इसकी ब्रेथ है 1.5 इंच। को बैक साइड से रखना है, इस तरीके से रखेंगे, थोड़ा पोर्शन बाहर के साइड रहेगा। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है और अब इसे राइट साइड में टर्न कर लें नीचे से और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था ना इसको अंदर के साइड फोल्ड करना है और डबल फोल्ड करेंगे, 1 फोल्ड 2 फोल्ड, सिलाई के ऊपर से ले जाना है इस तरीके से पाइपिंग जैसी अटैच करनी है। जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर लूँगी। दोनों ही पीस पर इसी तरीके से पाइपिंग जैसी इसे अटैच कर लेंगे। इस तरीके से दोनों ही रेक्टेंगल पीस पर मैंने पाइपिंग लगा लिया है और अब फैब्रिक को इस तरीके से इक्वल हाफ में फोल्ड करना है, सेंटर पर मार्क कर लेना है। इसी तरीके से दूसरे वाले फैब्रिक को फोल्ड करेंगे इक्वल हाफ में और इस पर भी मार्क कर। यहाँ पर ये जो बड़ा वाला पीस लिया है ना इसको भी इस तरीके से इक्वल हाफ में फोल्ड कर, रॉन्ग साइड से फोल्ड करेंगे हम और अब इसके भी सेंटर पर मार्क कर लेंगे दोनों साइड से। अब इसे ओपन कर लेंगे और ये जो रेक्टेंगल पीस है ना इसे अटैच करना है। सेंटर से इस तरीके से जो निशान लगाया है ना उस पर हमें फैब्रिक को रखना है एक साइड से और दूसरे साइड से किया है उसको मिलाते हुए। यहाँ से मैं सीधी सिलाई कर लूँगी, दोनों में ही इसी तरीके से इस सीधी सिलाई करके इसे अटैच कर लेना है। तो इस तरीके से दोनों ही साइड के रेक्टेंगल पीस को मैंने स्टिच कर लिया है। पूरा आपको स्टिच नहीं करना है, आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा मैंने दोनों साइड से इस तरीके से सिलाई छोड़ रखी। आपको पूरा स्टिच नहीं करना है, दोनों साइड से इस तरीके से मैंने सिलाई छोड़ रखी। इसे मैं इस तरीके से अटैच करूँ, इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ से सीधी सिलाई कर लेंगे अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे साइड तरीके से पकड़ना है और यहाँ से सीधी सिलाई कर ले। साइड भी इसी तरीके से स्टिच कर लेना है, दोनों साइड से इसी तरीके से इसे स्टिच कर लेना है। यहाँ पर मैंने एक साइड से इसे स्टिच कर लिया है तो ये अटैच हो गया है। अब दूसरे साइड से इस तरीके से पकड़ना है, इस तरीके से फैब्रिक को अरेंज करेंगे, यहाँ से सीधी सिलाई कर, इसी तरीके से इस साइड और इस साइड कम्प्लीट कर लेना है। साइड से मैंने इसे इस तरीके से स्टिच कर लिया है इस तरीके से
और ये जो रफ एजेस है ना इसको हाइड करना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक स्ट्रिप ली है, कोई भी कलर ले सकते हो। तरीके से डबल फोल्ड करना है और अब इस पर पाइपिंग जैसी अटैच करें, साइड इसी तरीके से स्टिच कर लेना। आप देख सकते हो हाफ मैंने स्ट्रिप का पार्ट इधर रखा है और हाफ इधर, और इस तरीके से पाइपिंग जैसी यहाँ से ले जाते हुए यहाँ से यहाँ इस तरीके से अटैच कर लें। दूसरे साइड भी इसी तरीके से पाइपिंग को अटैच कर लें। तो दोनों साइड पाइपिंग से मैंने इसे फिनिश कर लिया है और ये हमारा लंच बैग अब रेडी हो गया। आप इसे इस तरीके से भी यूज कर सकते हो या इसे बॉक्स की तरह भी यूज कर सकते हो। इस तरीके से अंदर के साइड मैंने वेलक्रो अटैच किया है, तो इस तरीके से आएगा। तो आप इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हो। कैसा लगा दोस्तों आपको ये DIY, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।